बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने रिलीज के पहले दिन ही कमाल कर दिया और की है बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई। सिर्फ इतना ही नहीं जनाब, बल्कि इसने आलिया भट्ट ही की कोविड से पहले रिलीज होने वाली फिल्म राजी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गंगूबाई काठियावाड़ी की पहले रोज की कमाई बताई है बॉलीवुड के इंतहाई मशहूर मूवी क्रिटिक और बिज एनालिस्ट तरण आदर्श ने। इन्होंने ट्वीट किया कि फिल्म ने रिलीज के पहले दिन ही 10.5 करोड़ भारतीय रुपयों का बिजनेस किया है। यह रकम पाकिस्तानी करेंसी में 24.78 करोड़ से जायद बनती है। यूं गंगूबाई काठियावाड़ी कोविड के बाद थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्मों में पहले दिन की कमाई के हिसाब से तीसरे नंबर पर आ गई है। तरण आदर्श ने कोविड-19 के बाद रिलीज होने वाली पहली और दूसरी फिल्म की पहले दिन की कमाई भी इसी ट्वीट में बताई। पहले नंबर पर रही थी अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी, जिसने रिलीज के पहले रोज 26.29 करोड़ भारतीय रुपए यानी तकरीबन 62.05 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का बिजनेस किया था। दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह की फिल्म 83 थी, जिसने पहले रोज 12.64 करोड़ भारतीय रुपए कमाए थे। यह आमदन पाकिस्तानी रुपयों में 29.83 करोड़ से जायद बनती है। यूं आलिया भट्ट की फिल्म पैंडेमिक के वक्त में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली टॉप 3 फिल्मों में शामिल हो गई है। मगर दिलचस्प बात यह है कि सूर्यवंशी दिवाली पर रिलीज हुई थी और 83 क्रिसमस पर, जबकि गंगूबाई काठियावाड़ी ना तो किसी त्यौहार पर रिलीज हुई है और ना ही छुट्टी के दिन। रही बात आलिया भट्ट की कोविड-19 से पहले रिलीज होने वाली फिल्म राजी की, तो इसकी पहले दिन की कमाई थी 7.53 करोड़ भारतीय रुपये यानी 17.77 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों से कुछ ज्यादा, और गंगूबाई काठियावाड़ी ने राजी का रिकॉर्ड भी पाश कर दिया है। असल में कोविड-19 की वजह से भारत में सिनेमा बंद थे, लेकिन अब जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पर वापस आ रही है। थिएटर खुलना शुरू हो गए हैं, मगर अब भी लोग सिनेमा में जाने में थोड़ी एहतियात कर रहे हैं। इसीलिए तो इस फिल्म की रिलीज से पहले लोगों का ख्याल था कि ये बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकेगी। सबका यही अंदाजा था कि गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज के पहले रोज सिर्फ 6-7 करोड़ भारतीय रुपयों का बिजनेस कर सकेगी, मगर फिल्म ने 10.5 करोड़ से जायद का बिजनेस करके सबको हैरान कर दिया है। गंगूबाई काठियावाड़ी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली हैं और आलिया भट्ट ने गंगूबाई का रोल किया है। गंगूबाई 1960 की दहाई में मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा की ताकतवर तरीन औरतों में से एक थीं। फिल्म को नाम तब्दील किए बगैर ही रिलीज किया गया है। रिलीज से पहले इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की टीम को मशवरा दिया था कि वो इस फिल्म का नाम चेंज कर दें ताकि अदालतों में जारी कई एक केसेस से बच सके, मगर इंडियन सुप्रीम कोर्ट का यह मशवरा नहीं माना गया और इसे थैंक यू बोलकर 25 फरवरी को गंगूबाई काठियावाड़ी को रिलीज कर दिया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें।